हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आएँ जो कल इंट्राडे मार्केट में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सबसे पहले हम बाज़ार को देख लेते हैं। अब बाज़ार आप देख सकते हैं कितना शानदार आज मूव किया है, लगभग 2% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखोगे, जोरदार, मिड कैप में भी जोरदार, बैंक निफ्टी भी जोरदार, सेंसेक्स भी करीबन 1500-1600 पॉइंट अप रहा। मतलब अगर देखें तो पूरी तरफ अगर मार्केट का मोमेंटम देखा जाए तो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ देखने को मिला है। ठीक है, मैं आपको डेली बेसिस पे बोलता हूँ कि अगर आपने मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और मार्केट थोड़ा नीचे भी आए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, मार्केट रिकवर ज़रूर करेगा। ठीक है, तो यही हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। खैर, आगे जैसा भी अपडेट आएगा हम मार्केट के रिलेटेड आपको ज़रूर कवर करेंगे ही। तो अभी आप फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते और हमारे फर्स्ट स्टॉक को आपको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है बजाज फिनसर। बजाज फिनसर की अगर मैं बात करता हूँ, एक अच्छा खासा मोमेंटम भरा स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस में उसने कुछ सपोर्ट लिया, देन उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई। ठीक है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन उसके बाद फिर यहाँ तक रिकवरी आई, देन उसके बाद एक बार फिर से अच्छा खासा दोस्तों यहीं से सपोर्ट लेके रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक तो बात ये होगी, सेकंड एक डब्ल्यू पैटर्न भी हमें बनते देखने को मिल रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न में अभी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक आया है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न में, लेकिन ये फुल होगा तो एक बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न कहलाएगा। मतलब यहाँ पर अभी चांस है एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाने का। ठीक है, बाकी सपोर्ट से तो एक अच्छी खासी स्टॉक में रिकवरी आई रही है, तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल जाए। जब एक अच्छे खासे बायर का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में मार्केट भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करता है, तो आराम से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम बढ़िया तरीके से स्टॉक को बाय करके चलने वाले हैं। तो अगर ये कल की डेट में स्टॉक हमें 1850 पर मिलेगा तो बाय करेंगे। पहले टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1860 का लगाएंगे, दूसरा टारगेट लगाएंगे 1870 का, और SL की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो लगभग 1840 का हम SL लेकर चलने वाले हैं। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम कॉस्ट पर मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट कवर करना चाहूँगा दोस्तों। ये है हमारा प्रॉफिट गुरु FNOCALL का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए मार्केट के बारे में सारी चीज़ें अपडेट की जाती है। आज सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि 51,500 का लेवल, 51,200 का लेवल, यही रेंज में दोस्तों कल भी मार्केट था, आज भी था। ठीक है, ये 300 पॉइंट की रेंज में। देन उसके बाद निफ्टी के बारे में बताया कि तो निफ्टी की भी सेम टू सेम हमें रेंज देखने को मिली, और कहीं ना कहीं एक मोमेंटम लगभग 9:25-9:26 पर आने की कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी में, तो हमने कॉल साइड में काम करने की कोशिश करी, लेकिन हमें पोजीशन नहीं मिली। लेकिन वो पोजीशन मिली कब दोस्तों, लगभग 2:15 के समथिंग, देन उसमें ज़ोरदार टारगेट हिट हुआ लास्ट के एक घंटे में। मतलब लास्ट के 1.5 घंटे में मार्केट में अचानक क्या हुआ जो इतना बड़ा मोमेंटम आ गया, किसी को नहीं पता। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो 51,200 के लेवल से एक शानदार रिवर्सल लिया 368 पॉइंट का। ठीक है, ये मैं लगभग 2:15 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मार्केट बंद होते होते दोस्तों धमाकेदार मोमेंटम रहा। ठीक है, क्या न्यूज़ रही ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल थे, चाहे आप सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट पे एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया, ब्रेकआउट की बात करता हूँ, ब्रेकआउट भी एक अच्छा खासा दिया। ठीक है, मोमेंटम भी अगर देखें तो बहुत ज़ोरदार तरीके से कैप्चर रहा, चाहे आप निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की बात करो। ठीक है, तो डेली बेसिस पर इतनी सारी चीज़ें हम दोस्तों फ्री में बताते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों आप इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें आगे सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सेकंड स्टॉक को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड स्टॉक है दोस्तों हमारा वोल्टास। वोल्टास की अगर मैं बात करता हूँ, ऑलरेडी तेज़ी तो थी, थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इसी रेंज में हमें फिर से सपोर्ट देखने को स्टॉक में मिला। ठीक है, देन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से अपसाइड में, मतलब जहाँ पर सपोर्ट स्टॉक में लिया, जैसे कि यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये रिजेक्शन पॉइंट था, रिजेक्शन पॉइंट इजी तरीके से ब्रेक किया और एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम। मतलब अगर हम देखें ना तो स्टॉक में दोस्तों बहुत पोटेंशियल देखने को मिला है। देखिए बहुत, मतलब अगस्त के महीने से अभी तक अगर मैं स्टॉक को देखता हूँ तो दोस्तों ये मान के चलिए 400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है अगस्त से अभी तक, लगभग एक महीने के अंदर अंदर।
ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ना, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसी रेंज में हम स्टॉक को बाय करेंगे। अगर कल की डेट में स्टॉक हमें 1850 पर मिलता है तो उसको बाय करेंगे। पहला टारगेट लगाएंगे 1870 का, दूसरा टारगेट लगाएंगे दोस्तों 1890 का। हम 20-20 पॉइंट के टारगेट रख रहे हैं, आप 10-10 पॉइंट के भी रख सकते हैं, ठीक है। और 1830 के समथिंग का SL रखेंगे। एक अच्छा मोमेंटम आया तो एक अच्छा प्रॉफिट भी हम कैप्चर कर ही लेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम कॉस्ट पर ले आएंगे। इस हिसाब से हम मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों दो बेहतरीन स्टॉक, दोनों पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस आपको अपडेट किया है। आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर लगाइए, उसके बाद आगे जैसा भी अपडेट आता है हम जरूर आपको कवर करेंगे ही। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।